हेलो एवरीवन आई एम फादर ऑफ गुरद्याल कौर स्टडिंग इन टिप्स ऑफ बी फर्स्ट ईयर जैसे कि हम अभी लॉकडाउन के एक डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहे हैं काफ़ी अप्स एंड डाउंस भी देखने को मिलते हैं इमोशंस काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे हैं फ्रस्ट्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है जब हमें आउटिंग नहीं करने को मिलती फ्रेंड्स से नहीं मिल सकते शॉपिंग नहीं करते हैं मूवीज नहीं जा पाते हैं तो काफ़ी डिप्रेसिंग सा भी फील होता है और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे कुछ प्रोडक्टिव करें एज पेरेंट्स हमारी भी प्रायोरिटीज़ uh, होती हैं कि बच्चे अच्छा पढ़ें अच्छा फ्यूचर हो उनका और खुश रहें uh, लेकिन ऐसे में ट्रिनिटी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेकर के उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का जो ट्रेंड uh, स्टार्ट किया है चार पाँच घंटे जब बच्चों के इसके अंदर एंगेज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है कि आज हमने कुछ किया कुछ प्रोडक्टिव किया और जहाँ के ये पूरा यूटिलाइजेशन इनके टाइम का भी हो रहा है और इसकी कंफर्ट जोन में रहते हुए ऐसा नहीं कि रश किया जल्दी से जल्दी जाना है भागना है पहुँचना है कॉलेज और सब कूल cool तरीके से और अपना ट्रैवलिंग टाइम भी सेव कर लेते हैं और काफ़ी अच्छा ये इस वक्त काम कर पा रहे हैं कॉलेज फैकल्टी रोज ही गूगल uh, क्लास पे उनको इनको असाइनमेंट सेंड करते हैं स्टडी नोट्स प्रेजेंटेशंस आती हैं जिससे कि इनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है uh, जब इन्हें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बच्चों को फैकल्टी uh, सपोर्ट करती है Uh, ना सिर्फ थियोरी बल्कि इन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर uh, भी मिल रहा है जिससे कि ये लोग अपने हमारे बिजनेस में जहाँ के हम लोग अपने पुराने आइडियाज से अपने बिज़नेस को रन कर रहे थे उसमें ये लोग हमें इतना सपोर्ट uh, करते हैं इतना बढ़िया बिजनेस uh, को हाइट्स पे ले जाते हैं इनके छोटे छोटे नए नए आइडियाज से तो uh, ये सब इनके कॉलेज की फैकल्टी के कारण सो so, Uh, मैं तो ये कहूँगा कि वी फील वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड थैंक यू सो मच